नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर संजय चौबीसा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की। रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 10 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने महायुद्ध का रूप ले लिया है। रशिया की तरफ से यूक्रेन में 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई हैं और यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन में भारतीय छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको वहां सुरक्षा मिल रही है और वो वापस भारत वापसी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारा एक छात्र वहां पर मर गया इस युद्ध में, लेकिन बाकी के छात्र हैं वो भारत वापसी कर रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यहां तक कह दिया कि जिनके हाथों में तिरंगा होगा, जिनकी गाड़ी पर तिरंगा होगा, वो भारतीय सुरक्षित होगा और वो वतन वापसी कर पाएगा। तब हमें गर्व होता है अपने देश पर और अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि जिनके फोन कॉल से दोनों देशों के राष्ट्रपति ने हमारे भारतीय छात्रों को वापस वतन वापसी पर वो हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन दोनों देशों को सद्बुद्धि आए और इस महायुद्ध को रोक लेवें, क्योंकि इन दोनों देशों के 10,000 से ज्यादा सैनिक मर गए हैं, यानी कि 10,000 माओं की कोख उजड़ चुकी है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें पता है तुम भारत माँ के सच्चे नायक हो, कि हमें पता है तुम भारत माँ के सच्चे नायक हो। इन युवाओं के आदर्शों तुम नई सदी की आशा हो, इन युवाओं के आदर्शों तुम नई सदी की आशा हो। मानवता के रखवाले हो तुम इस भारत के नायक हो, मानवता के रखवाले हो तुम इस भारत के नायक हो। नए दौर में मान बढ़ाया भारत का हो मोदी जी, नए दौर में मान बढ़ाया भारत का हो मोदी जी। इस तिरंगे की ताकत भी दुनिया को दिखा दी मोदी जी, इस तिरंगे की ताकत भी दुनिया को दिखा दी मोदी जी, इस तिरंगे की ताकत भी दुनिया को दिखा दी मोदी जी। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी सुरक्षा दे दी बच्चों को, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भी सुरक्षा दे दी बच्चों को। दुनिया के और देशों ने भी हाथ थाम लिया तिरंगे का, दुनिया के और देशों ने भी हाथ थाम लिया तिरंगे का। साहब बाबर और देशों के जो लोग बचे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर घूम रहे, तब साहब कहते हैं कि दुनिया के और देशों ने भी हाथ थाम लिया तिरंगे का, कि दुनिया के और देशों ने भी हाथ थाम लिया तिरंगे का। तब हमें गर्व होता है अपने इस तिरंगे पर, तब हमें गर्व होता है अपने इस तिरंगे पर, तब हमें गर्व होता है अपने इस तिरंगे पर। इस भीषण महायुद्ध में भी बात कर रहे भारत की, इस भीषण महायुद्ध में भी बात कर रहे भारत की। जेलेंस्की बाइडेन भी मदद मांग रहे भारत से, जेलेंस्की बाइडेन भी मदद मांग रहे भारत से, जेलेंस्की बाइडेन भी मदद मांग रहे भारत से। पुतिन भी बात सुन रहा भारत की, पुतिन भी बात सुन रहा भारत की, जो किसी की नहीं सुन रहा वो भारत की सुन रहा। पुतिन भी बात मांग रहा भारत की। NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, इसमें 141 देशों ने वोटिंग की और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तब दुनिया के देशों ने यह कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे आना चाहिए और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाना चाहिए, इस महायुद्ध का विराम करवाना चाहिए। हमारे देश की स्थिति यहां ऊंचाइयों तक पहुंच गई कि दुनिया के देश हमसे मदद मांग रहे, तब साहब हमें गर्व होता है हमारे देश पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। तब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी, कि नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ा दो मोदी जी। दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ा दो मोदी जी, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ा दो मोदी जी। महंगाई का भाव चढ़े तो मत रोको चढ़ जाने दो, महंगाई का भाव चढ़े तो मत रोको चढ़ जाने दो, लेकिन भारत की सेना को अब अलर्ट हो जाने दो, लेकिन भारत की सेना को अब अलर्ट हो जाने दो। वक्त आ गया है दुश्मन को इनकी औकात दिखाने का मोदी जी, वक्त आ गया है दुश्मन को इनकी औकात दिखाने का मोदी जी। अब भारत को विश्व गुरु बन जाने दो, अब भारत को विश्व गुरु बन जाने दो, अब भारत को विश्व गुरु बन जाने दो। धन्यवाद दोस्तों।